बरसात की प्रथम फुहार पड़ते ही जंगलों में यह पौधा उगने लगता है। दोस्तों, इसको कहते हैं जंगली प्याज। इसको भुई कांदा, वन कांदा, जंगली प्याज या वन पलांडू के नाम से भी जानते हैं, पहचानते हैं। ये देखिए, इसकी जड़ें भी प्याज के ही समान लगती हैं और पत्तों में इसके कुछ इस तरीका से काले काले धब्बे होते हैं। दोस्तों, ये जंगली प्याज की ही एक प्रजाति है। ऐसे जंगली प्याज कई प्रकार की होती है, लेकिन जो असली वाली जंगली प्याज है उसके पत्ते तो सुदर्शन के समान होते हैं, लेकिन उसमें काले धब्बे नहीं होते, ये याद रखिए। लेकिन ये जंगली प्याज, ये वन कांदा है, भुई कांदा है, ये जंगली प्याज की ही प्रजाति है। अब दोस्तों, इसको जंगली कांदा, जंगली प्याज, वन पलांडू या वन प्याज भी कहा जाता है। चलिए मैं इसके कुछ फ़ायदे बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा गुणकारी होंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, घुटनों के दर्द में जंगली प्याज काफ़ी महत्वपूर्ण काम करती है। घुटने और कमर दर्द में इस जंगली प्याज का कंद रामबाण दवा काम करता है। इसका उपयोग करने के लिए जंगली प्याज के 1 से 2 कंद को ले और इसको 250 ग्राम सरसों के तेल में छोटे छोटे टुकड़े को काटकर इस तेल में मिलाकर तब तक गर्म करते रहें जब तक कि तेल आधे भाग ना रह जाए। फिर इसे उतारकर छान लें और कांच की बोतल में भरकर रख लें। इस तेल को जिस भाग में दर्द हो रहा है, चाहे घुटना दर्द हो, कमर दर्द हो, साइटिका पेन हो, या फिर अगर किसी भी प्रकार की जगह पर दर्द हो रहा है, सूजन हो रही है, वहाँ लगाकर मालिश करें। ऐसा करने से दर्द तुरंत ठीक हो जाता है, बहुत ही गुणकारी है। दोस्तों, त्वचा रोगों में भी जंगली प्याज बड़ा ही गुणकारी माना जाता है। त्वचा संबंधित विकारों में जंगली प्याज का बहुत अधिक इस्तेमाल किया जाता है। यह सभी प्रकार के रोगों को दूर करता है, जैसे कि दाद, खाज, खुजली तथा त्वचा के समस्त चर्म रोग इससे ठीक हो जाते हैं। बस इसका प्रयोग करने के लिए जंगली प्याज को पीसकर पीड़ित स्थान पर जरूर लगाइएगा। पेट संबंधी रोगों में जंगली प्याज बहुत ही गुणकारी है। जंगली प्याज की हरी भरी पत्तियों की सब्जी बनाकर खाने से पेट संबंधी रोगों से सदा के लिए मुक्ति मिल जाती है, लेकिन थोड़ी मात्रा में सेवन किया जाता है, ज़्यादा मात्रा में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। इसकी पत्तियों का सब्जी के रूप में सेवन करने से यह स्वादिष्ट तो लगती ही है, साथ ही यह हमारे शरीर के पोषक तत्व प्रदान करती है। चोट में जंगली प्याज का बहुत ज़्यादा गुणकारी है। चोट हो, मोच हो, सूजन हो, इसमें आप जंगली प्याज का कंद लीजिए ये वाला और पीस करके पेस्ट बनाकर दर्द और सूजन वाली स्थान पर लेप करने से दर्द और सूजन घट जाती है। पीलिया रोग में जंगली प्याज बहुत ही गुणकारी है। पीलिया रोग होने पर जंगली प्याज का काढ़ा बनाकर पीने से पीलिया रोग तुरंत ठीक हो जाता है, ये बहुत ही अनुभूत है। पेट के रोगों में भी जंगली प्याज बहुत ही गुणकारी है। जंगली प्याज का काढ़ा बनाकर पीने से पेट दर्द, पेट संबंधी रोग, पेट के कीड़े खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, जंगली प्याज का तेल कैसे बनाएंगे मैं बता देता हूँ। आप जंगली प्याज के कंदों को लेकर के रस निकाल लीजिए और जैसे 1 लीटर इसका रस निकाला तो 250 ग्राम तेल में पकाइएगा और फिर जब 1/4 रह जाए तब उतार करके आप इसको रख लें और तेल को फिर अगर मालिश करते हैं तो समस्त प्रकार के दाद, खाज, खुजली, चर्म रोग, चोट, मोच में अच्छा काम करता है। यह तेल दर्द निवारक है। और जो दोस्त जंगली प्याज अधिक सेवन ना करें, क्योंकि अधिक सेवन करने से नुकसान होता है और इसका वैद्य चतुर्वैद्य की देखरेख में ही प्रयोग करना उचित होगा। दोस्तों, जंगली प्याज और ये छोटी प्याज, इनके गुण समान ही होते हैं। आप देखिए, इसके पत्ते कुछ इस तरह होते हैं, इनके पत्तों में काले काले धब्बे होते हैं। बस धब्बे जिसमें ना हो वो जंगली प्याज है और जिसमें धब्बे हों वो भुई कांदा, वन पलांडू है। धन्यवाद, नमस्कार।